नमस्कार, ट्राइवल टुडे टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनोद ठाकुर। जो आज आपको यहां लेके आया हूं, JSW जल विद्युत परियोजना का जो निर्माण कार्य हो रहा है, वहां की एक साइट है मैट साइट। यहां के जो मजदूर है पिछले 4-5 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उनकी कुछ डिमांडें हैं जिन्हें कंपनी ने मानने से साफ इनकार कर दिया है, और ये जो मजदूर है इस बात को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं और 24 घंटे इसी साइट पर डटे हुए हैं, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो। और इसी कड़ाके की सर्दी में ये जो लोग हैं यहाँ रातें गुजार रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि किस तरह की जो दिक्कतें हैं इस परियोजना में आ रही हैं और क्या डिमांडें हैं। तो सबसे पहले तो आपका ट्राइबल टुडे टीवी में स्वागत है। नाम बताइए अपना। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है जी। तो आप बताइए कि किस तरह की जो दिक्कतें हैं इस परियोजना में आपको आ रही हैं। सर, दिक्कतें तो बहुत है एक्चुअली। अभी हमारा सिर्फ एक मसला था जो कि कार्ड का था, जो कि मतलब कंपनी को हमने बोला था कि हमें एक आप अथॉरिटी कार्ड दो, मतलब अटेंडेंस कार्ड अथॉरिटी जो कंपनी की बनती है, कौन हमारा जिम्मेदार है, हाइड्रो वर्क चल रहा है, टनल में काम करते हैं, उसका कोई जिम्मेदार होना चाहिए। तो ये झांसा देते रहे हमें कि आपको बस मिल जाएगा, अगले महीने मिलते। इन्होंने साल लगा दिया ऐसे ही। तो अभी सर हमने पिछले महीने इनको टाइम दिया था कि आप हमें या तो कार्ड दो या हम काम बंद करेंगे। हमने 12 घंटे के लिए पहले भी काम बंद किया था, 21 तारीख की बात है, 21 तारीख को काम बंद किया था। तो इन्होंने आए, इनके जो कर्मचारी वो आए, इन्होंने हमें बोला कि हमने बोला कि लिख के दो हमें, नहीं तो हम काम ही चालू करें। बोले हाँ लिख के देते हैं, हमें कुछ टाइम दो। फिर भी हमने टाइम दिया, इन्होंने बोला 1 तारीख को आपको कार्ड मिल जाएंगे। हमने बोला चलो ठीक है। हमने सभी वर्कर को बता दिया कि आपको 1 को कार्ड मिल जाएंगे जी। तो 1 को तो आए त्रिमले करके PM है सर इनके भूमि के, जो वो सेंथल और PM आए, वो आए, उन्होंने बोला कि नहीं जी कार्ड के लिए तो बोला किसने, ये तो हमने तो बोला नहीं। और जब इन्होंने इधर बात चली थी तो इन्होंने एक लिस्ट भी बनाई थी। पहले इन्होंने बोला कि हम पूरे बंदे को कार्ड नहीं दे सकते हैं, ऐसा करते हैं हाफ हाफ करके 2 शिफ्ट में दे देंगे। हम फिर भी राजी हो गए। इन्होंने बोला 30 बंदे को अभी दे देते हैं, 30 बंदे को बाद में दे देंगे। हमने बोला ठीक है जी। फिर उन्होंने लिस्ट बनाई, उसका हमने प्रूफ भी रखा है, फ़ोटो ली थी हमने, वो हाँ फोटो दिए हुए हैं इनको। फिर वो तो आके से ऐसे बोलते हैं बिल्कुल हमने तो बोला नहीं जी, आपको किसने बोला कार्ड के लिए, ऐसे ऐसे करते हैं सर। पहली भी गुजर गई तो उस दिन से हम यहाँ हड़ताल पे बैठे हैं। उसके बाद ना कोई इनका कर्मचारी इधर आया, ना कुछ। सिर्फ एक दिन वो पुलिस वाले आए थे, वो भी हमसे बातचीत करके चल गए। उन्होंने सिर्फ इतना ही पूछा, उनके क्या है, आपकी समस्या क्या है, आप क्यों यहाँ हड़ताल पे बैठे हैं। हमने सिर्फ उनको बता दिया सर हमारा ये ऐसा ऐसा कार्ड का इशू है, तब कर लिया। उन्होंने बोले चलो ठीक है आपका, हम बात करते हैं कर्मचारी से। फिर सर वो चले गए। उसके बाद ना तो कोई यहाँ पुलिस आई, ना कोई कोई बंदा नहीं आया हमारी बात सुनने के लिए। अच्छा, कुल कितने लोग हैं जो अभी आप यहाँ हैं हमारे साथ? सर 60-65 बंदे की बंदे। अच्छा, दूसरी जो साइटें हैं यहाँ, जो लॉट 2 बंटे हुए हैं JSW जल विद्युत जो परियोजना बन रही है, उसमें जो दूसरे जो कामगार है, दूसरे जो वर्कर है, उनकी तरफ से आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है? तो सर अभी तो क्या सपोर्ट है, कुछ ऐसा तो कुछ कोई भी नहीं आया यही जी। अच्छा, जहाँ तक मैं आपको देख रहा हूँ, जो परियोजनाओं में होता है, जो कि आपको सुरक्षा के लिहाज से जो कुछ एक गम बूट होते हैं, फिर दूसरे जो सुरक्षा, तो यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है सर। दिखाई क्या देना, ये जब भी काम करने के लिए बोलते हैं तो सिर्फ काम करो जी, काम करो। हमने गम बूट के लिए देख दो बार गए तो ये बोलते हैं जी आप ठेकेदार के बंदे, आपका पैसा कटेगा। एक बार दिया इन्होंने, वो भी पता नहीं मैनेजमेंट के उतारे हुए जूते थे क्या है, वो इकट्ठे करके रख फेंके होते हैं सर, उधर से बोले इकट्ठे करके ले जाओ है। तभी हमने जो बेचारे डीलर वगैरह हैं इनको दिए, वो गम बूट वगैरह डाले हैं सर, वो फटे पुराने जूते दे दिए। वो दूसरे दिन ही सर पानी अंदर घुस के बेचारे, हमारे पास वीडियो पड़ी है सर, इन्होंने इतना पानी अंदर में, टनल में बहुत पानी है सर, आप गए नहीं होंगे, आपने देखा नहीं होगा, पर टनल में बहुत पानी है। ये डिवाइडिंग अभी तो चालू किया इन्होंने, डिवाइडिंग वगैरह पहले वो भी नहीं था, पाइपलाइन वगैरह कुछ नहीं थी। तो हमारे वर्कर वो पंप भी खींच रहे हैं, वहाँ नंगे पाँव वहाँ पानी में काम कर रहे हैं सर, बहुत दिक्कत का सामना करा सर। फिर भी इन्होंने हमारा कोई भी मतलब सिलेक्शन नहीं किया। अच्छा, जो दूसरी कई सुविधाएं होती है, जो हमने सुना है कि परियोजनाओं में कई प्रकार की दूसरी फैसिलिटी जो है, वो चाहे वो जो अपना श्रम विभाग है या कुछ दूसरे जो विभाग हैं या फिर सरकार की तरफ से मिलते हैं, तो इस तरह की जो दूसरी फैसिलिटी हैं आपको मिल रही हैं वो भी? वो सर कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है। ये वर्कर अपने और हमारे मतलब ये इन्होंने क्या किया, वर्कर 2 भागों में बांट दिया। एक बना लिया इन्होंने कुछ PRW, पता नहीं हमें तो मालूम नहीं लगता सर क्या, हम तो सिर्फ वर्कर हैं। इन्होंने दिवाली आई थी ना, जब दिवाली सर, तो इन्होंने अपने वर्कर को मतलब एक एक मिठाई का डब्बा दे दिया। हमने तब भी हमारे पास कम से कम कोई 50 वर्कर थे, 60 उसके बाद हुए, तब हमारे साथ कोई 50 वर्कर थे। तो
हमने फिर भी बात उठाई उस टाइम, बोला सर आपको ये सोचना चाहिए, आप कंपनी है, आपको चलो इनको आपने एक आधा आधा किलो केजी का डब्बा दिया तो हमें चार लड्डू वाला भी दे देते, तब भी वर्कर खुश हो जाता कि हाँ भाई वर्कर में ये तो सरासर गलत है। जगट के लिए बोलो सर, कोई भी मतलब हमारे सेफ्टी के लिए कुछ नहीं। आप बोलते हैं ठेकेदार के अंदर, ठेकेदार से बात करो, ठेकेदार कौन, हमें तो पता नहीं सर कहाँ ठेकेदार, कोई कुछ नहीं। अच्छा कोई और आएगा जो बताएंगे कि इसके बारे में, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है। पहले तो ट्राइबल टूडे आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे बीच में आए। आप बताइए आप, आपकी क्या समस्या है आप बताइए। कुछ समस्या यही है सर, चार दिन हो गए हम लोगों को यहाँ पे खड़े हुए, 72 घंटे के करीब हो गए हैं, अब तो शायद 73 घंटे भी हो चुके होंगे यहाँ पे। ये वर्कर इतनी दूर से बेचारा वर्कर आया यहाँ पर, इन लोगों ने इनका इतना शोषण किया है कि इनसे हर जगह काम करवाया। बोलने का मतलब कि इन्होंने बोला कि आप क्वांटिटी के, मानता हूँ मैं ये वर्कर क्वांटिटी में काम करा तो क्वांटिटी काम एक जगह, इन्होंने टंडल का एक एक हिस्से में इनसे काम करवाया है। और जितने भी ये भाई हैं बेचारे घर से यहाँ बैठे हुए हैं रूम लेके, इनको कोई फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पर ये खाना बना रहे हैं, यहीं बैठ रहे हैं, यहीं सो रहे बेचारे, उनको सोना तो कहाँ है, बैठे हैं, रात को हमला भी हो सकता है इनके ऊपर, ये तो बेचारे रात दिन बैठे हुए हैं यहाँ। कंपनी का कोई आदमी यहाँ पे नहीं आया है, किसी ने इनका कोई वो नहीं किया, सिर्फ इनका शोषण हो रहा है। और बेचारे कई भाई तो ऐसे हैं जिनके घर में इतनी इतनी प्रॉब्लम है मगर फिर भी यहाँ बैठे हैं, यहाँ कोई आदमी नहीं आया। एक भाई साहब हमारे बीच में है, उसके घर में इतनी प्रॉब्लम है कि बेचारा चार दिन से यहाँ से गया नहीं, मगर इसी आस में बैठा कि हमें कार्ड मिलेंगे हम तब जाएंगे। तो आइए मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरह की जो इनका मजदूरों का जो खाने का सिस्टम है, किस तरह से इनका खाने का जुगाड़ हो रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ ये जो इनका चूल्हा है जिस पर ये खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, और यहीं पर इसी जगह पर ये लोग रात को अपना रातें गुजार रहे हैं। लेकिन कंपनी की जो बेशर्मी है वो हद पार कर चुकी है कि अब तक कंपनी का कोई भी अधिकारी यहाँ इनकी सुध लेने के लिए नहीं आया है। हमारे साथ सुरिंदर हैं जिनसे हम जानेंगे कि यहाँ कंपनी के कुछ एक और कार्यक्रम है जिनका मजदूर जो है, जो पॉलिसी है इनकी, उसका खुला विरोध कर रहे हैं, लेकिन कंपनी वाले मनमानी पर उतरे हुए हैं और ज़बरदस्ती इनसे तीन शिफ्टों में जो है काम करवाया जा रहा है। कामगार विरोध कर रहे हैं कि वो दो शिफ्ट में काम करेंगे, लेकिन कंपनी वाले इनसे तीन शिफ्टों में काम ले रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कि किस तरह शिफ्ट का जो एक व्यवस्था कंपनी वालों ने बनाई हुई है और क्यों वो इसका विरोध कर रहे हैं, बताइए। सर ऐसा है कि हमारा जो वर्कर है ये ऑन फुट आता है एक्चुअली, तो इनके जो मैनेजमेंट है सर वो तो गाड़ी में आती जाती है, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो तीन या चार शिफ्ट कर ले उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे वर्क को प्रॉब्लम ये है सर, ना तो यहाँ कोई रहने की व्यवस्था है, इनको बेचारे सारे घर से अप डाउन करते हैं, तो सर कोई मतलब 5 किलोमीटर दूर से आता है, कोई 8 किलोमीटर, कोई 10 किलोमीटर दूर से आता है। तो सर इन्होंने ऐसा किया है कि मतलब तीन शिफ्ट में अब ये काम चालू कर दिया है, बोल रहे हैं कि पता नहीं ओटी के चक्कर। हमने इनको बाकायदा बोला भी, संथल सर है इनके जो पीएम है उनको सर एक दिन हमने बात भी की थी कि सर हम तीन शिफ्ट में काम नहीं कर सकते हैं, सीधी सी बात है, हाँ आप और तीन दोगे हम 8 घंटे के लिए तैयार हैं, मगर दो शिफ्ट में डे नाइट करो, दो शिफ्ट में करेंगे, 9 to 5 करेंगे हम तैयार हैं। पर ये सर फिर भी मतलब उसके बाद तीन ही शिफ्ट में चला रहे हैं अपने वर्कर, तो हमने तो उसके बाद काम नहीं किया अभी। अच्छा थोड़ा दर्शकों को समझाइए कि दो शिफ्ट में आपका एक महीने की फुल सैलरी कितनी बनेगी और तीन शिफ्ट में पूरी सैलरी कितनी बनेगी? सर एक्चुअली हमारा तो अभी सैलरी का कोई तय है ही नहीं, हमें तो ये अपने रेट पे दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं आप तो क्वांटिटी के, हमें अगर कार्ड वगैरह ऐसी हो तो हम कार्ड पे अपना सैलरी अकाउंट कर सकते हैं कि हमें टर्न अलाउंस मिल रहा है कि कुछ अनाउंस वगैरह, वो तो हमें कुछ है ही नहीं ना, मतलब ये सिर्फ ऐसे है दिहाड़ी के हिसाब से दे रहे हैं, बस इतना दिहाड़ी इतना ओवर टाइम बस ऐसे दे रहे हैं, कुछ नहीं। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि टनल में आप काम कर रहे हैं और आपको टनल अलाउंस नहीं दिया जा रहा है, तो इसके लिए आप लेबर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, तो आपने अब तक वो क्यों आपने स्टेप क्यों नहीं उठाया? एक्चुअली सर हम तो इनके झांसे में रहे ना, हम तो सोचते रहे कि अभी कार्ड मिलेगा मतलब अगले महीने मिल जाएगा, अगले महीने मिल जाएगा, महीना महीना करते मैं बोल तो रहा हूँ साल बीत गया तब तक इन्होंने कोई भी मतलब सुनी नहीं। अब तो बिल्कुल सारा सर हाथ खड़े कर गए हमारे पास, हमने तो कार्ड के लिए बोला नहीं है, हम सोचते थे हम भी है, हमने सर पहले भी प्रोजेक्ट में लाइन में काम किया है, पर सर जगह कार्ड होता है मतलब कोई अथॉरिटी होती है किसी की कि हाँ भाई ये वर्कर हमारे साथ जुड़ा है, हमारे साथ काम करता है, इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती, पर इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा सर, कुछ भी नहीं।
अच्छा, एक यहाँ जो अक्सर होता है कि जो परियोजना की कोई साइट होती है वहाँ एक टेम्परेरी एक डिस्पेंसरी का जुगाड़ होता है, सपोज करो कल किसी को अगर कोई चोट वगैरह लगती है तो वहाँ तो इस तरह की भी कोई व्यवस्था यहाँ वो भी नहीं दिखती? कुछ भी नहीं। दूसरा, आपका जो यातायात की व्यवस्था है जिसपे मजदूरों को अप डाउन करते हैं चाहे उनकी कॉलोनियाँ हों, यहाँ ना तो कॉलोनियों का कोई सिस्टम है, ना कोई अपना डिस्पेंसरी का है, ना कोई शिफ्ट की गाड़ियों गुड़ियों का, इतना ज़्यादा आप किस तरह सर्वाइव कर पा रहे हैं फिर आप यहाँ इतने दिन से कैसे काम कर रहे हैं? सर बहुत मुश्किल है, बहुत डिस्पेंसरी दुकान सर इनके लिए बैठने के लिए बेंच तक नहीं है, बेंच तक नहीं तो एक वर्कर को लंच में बैठने के लिए जगह होती नहीं, मान लो लंच के लिए एक रेस्ट रूम हो वो तक नहीं है सर, इतना बर्फ पड़ी, बर्फ में भी हमने काम किया है, तब भी इन्होंने नहीं सोचा कि हाँ एक बना रहे थे सर उधर ऊपर से घरा पड़ा हो, उधर इन्होंने पाइप ऊपर अपनी उठा ली हो, संभाल ली हो, पता नहीं क्या कहाँ डाली हो, कोई पता नहीं है, पर इनके पास कोई भी मतलब हमारे लिए साधन नहीं है। ये तो सर काम साइट पर आते हैं तो कैसे आते हैं? कौन पूछता है, पैदल पैदल, कोई गाड़ी नहीं, कोई देख रहे हैं कि कितने बुरे हालात हैं यहाँ। और सामने ये बात आ रही है कि ये जो जल विद्युत परियोजना का निर्माण कर रही है भूमि कंपनी, ये सरासर मजदूरों का शोषण कर रही है। और हैरानी की बात ये है कि अब तक जितनी भी बड़ी बड़ी मजदूरों की यूनियनें रही हैं, चाहे वो GMR जल विद्युत परियोजनाओं में रही हो, चाहे उसमें इंटक हो, चाहे C2 हो, चाहे कहीं भामस का नाम भी आया था कि भारतीय मजदूर संघ की भी कोई यूनियन है, लेकिन इन लोगों की बात सुनने में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। और इससे ये साफ प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला नहीं है बल्कि पूरी ही दाल काली है। ट्रैवल टुडे टीवी के लिए भरमौर से विनोद ठाकुर की रिपोर्ट।